वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जा रहा हूँ जहांगीर और घर से निकलते वक्त कुछ कारणवश वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। तो आइए वीडियो में बने रहिए, हम लोग जा रहे हैं माँ दुर्गा का दर्शन करने रहेगा वीडियो। और हम लोग पहुँच गए हैं फोर लाइन में। ये है अपना जहांगीर जाने वाला रोड, जैसे कि शाह रामनगर अकलतरा जहांगीर, और यहाँ से है 36 किलोमीटर। और मैं काफ़ी दूर पहले से आ चुका, तो आइए वीडियो में बने रहिए, चलते हैं। सो फाइनली मैं पहुंचा अकलतरा। अकलतरा जाने के लिए हम लोग को लेना है लेफ्ट, पामगढ़ जाने के लिए लेना पड़ेगा हम लोग को राइट, और जहांगीर चांपा के लिए हम लोग को लेना पड़ेगा सीधा ही सीधा। आइए आपको रोड दिखला देता हूं मैं, किस तरीके का है यहां का रोड, कैसा है रोड। आप लोग को तो ऐसे में समझ आ ही गया होगा कि कहाँ कहाँ जाने का है ये मार्ग। और ये काफ़ी अच्छा किए हैं, 3-3 ब्रेकर बना रहते हैं ताकि कोई भी ओवर स्पीड मत आए। ये है अपना अकलतरा जाने वाला रोड, और ये वाला जो रोड है पामगढ़ वाला है, और ये अपना जो जा रहा है ये जा रहा है अपना जहांगीर। मैं पहुंच गया नेताजी चौक, बोले जाए तो जहांगीर। Hey guys, फाइनली मैं पहुंच गया जहांगीर। आपको तो बताई थी नेताजी चौक पहुंच गया था उसको, और अब मैं पहुंच गया अपने दोस्त के पास। मेरा दोस्त हो गया तैयार, पकड़ लिया उसका पे प्लस स्कूटी, और मेरा स्कूटी को लगा दिया चार्ज में। और फिर अब हम लोग चलते हैं मनकलाई कोकरा, तो आइए वहाँ का वीडियो आप लोग को दिखलाता हूँ। मैं पहुंचा कचहरी चौक, यहां से निकलेंगे हम लोग सीधा सीधा। ये मनका दाई का पहला द्वार, अगर जहांगीर की तरफ आएंगे तो फाइनली मैं यहाँ पहुंच गया। यहाँ लगा है काफी ज्यादा अच्छे मेला, आइए आपको दिखलाता हूँ मेले का। तो मैंने अपने शक्तियों के साथ एक प्रण कर लिया था कि जो ये यहाँ का भैरव बाबा है जो बाहर में रहता है, और ये यहाँ का मंदिर मनका दाई आप पहले भी देख चुके हैं। आइए आज अंदर जाके देखते हैं वीडियो बनाते बनता है कि नहीं। यहाँ का मंदिर आप जैसे कि देख पा रहे हैं कैसा दिख रहा है कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ काफ़ी अच्छा भव्य बन गया, पहले से भी ज़्यादा अच्छा। फाइनली हम लोग जा रहे हैं अब शारदा मंदिर की, और आइए आपको वहां का भी दर्शन कराते हैं। माँ शारदा देवी का ये मंदिर है,
उसके बाद अगर आपका मन्नत पूरा हो तो आप लोग यहाँ आके माथा जरूर देखें। ये काफी पुराना मंदिर है, बोला जाए तो 100 साल मंदिर पुराना है। आइए आपको वहां का दर्शन कराता हूं मैं। आइए अंदर की ओर चलते हैं। ये अपना भोलेनाथ है, जय शंभु। ये पहले का डिजाइन हुआ। यहाँ पे तालाब भी है, नहा धो के दर्शन करिए। ये है मेन मंदिर। यहाँ तो लाइट की काफी कमी है। जैसे कि आपको बताया, ये मंदिर जो है अपना 100 साल पुराना मंदिर है और यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी भीड़ रहता है। आज छठ है तो थोड़ा सा कम भीड़ है, लेकिन यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है। साते को आप तो यहाँ चल नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा भीड़ रहता है। तो वीडियो में ज़रूर विजिट कीजिए और आप यहाँ अगले जब भी आपको आना पड़े और जब भी आपको आते बने, आप लोग ज़रूर आइए और यहाँ दर्शन ज़रूर कीजिए। उसी समय एक सिर वाली काली माता हाथ पर तलवार लेकर दैत्यों के संहार करने लगे। और जब माँ मनका देवी आए और यहाँ प्रसाद नहीं पाए, प्रसाद बोले तो भोग नहीं पाए तो क्या पाए। जय माँ मनका देवी। ये हमारे भैरव जी यहाँ पे खड़े हैं। आइए आपको पास से दर्शन कराते हैं उनका। फाइनली ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी इस वीडियो में नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। और भी इस तरीके का वीडियो आप लोग के लिए मैं लाता रहूँगा।